यही ख्वाब होते हैं इंसान के कि मैं सक्सेस मिले मुझे, मैं कामयाब हूँ, जिस काम में पड़ गया हूँ इसमें मुझे कामयाबी मिलनी चाहिए, और अल्लाह ने उसमें कामयाबियाँ कदम कदम पे दी। और हालांकि मेरी कोई लॉबीज नहीं थी कि मैं इस ग्रुप में शामिल हूँ या उस ग्रुप में शामिल हूँ, नेवर। मैं हर बंदे के साथ मैंने काम किया। आप एक ग्रुप का हिस्सा है, वो कम्युनल ग्रुप, बिल्कुल, जिसमें सब हैं। पीटीवी के टॉप क्लास जिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, उनके नाम पे सड़कों के नाम रखे हुए लोगों ने, वहाँ से लेके जो नए हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर आए उनके साथ तक मैं एक ही तरह काम करता रहा, कहीं दिक्कत महसूस नहीं की। जब करियर का आगाज हुआ वो क्या टफ टाइम्स थे जो आपने फेस किए? आप हमेशा अच्छी बातें करते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप जो आपने टफ टाइम्स देखे वो भी बताएं, क्योंकि देखे आप पीटीवी पे आते थे, पीटीवी पे आने वाला वैसे ही एक स्टार होता था, लेकिन जेब में पैसे होना, घर के मामलात का चलना, लोग ये सोचते हैं कि अगर आप स्क्रीन पे आते हैं तो आप अरबपति खरबपति होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को आपकी स्ट्रगल के बारे में भी पता चले। अब अगर वो समझते हैं कि अरबपति खरबपति होगा तो उसमें मुबालगा नहीं है। इस दौर में, उस जमाने में तो बड़े बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, पीटीवी के अंदर जाना ही हो सकते हो, अरबपति ज्यादा है, अंदर जाना ही पीटीवी के एक अजाब था, क्योंकि जो बुके वहाँ बैठे होते थे ना रिसेप्शन पे, वही नहीं पहचान पाते थे, भाई मुझे फलाने ने बुलाया, मैं अंदर जाना, भाई मैं तरले कर करके मिनते फिर अंदर। अगर आपका गेट पे नाम ना लिखा हो आज भी पीटीवी नहीं जा सकते, तो आप एंटर नहीं हो सकते। अच्छी बात है, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी बात है। मैं कहता हूँ जब थोड़े थोड़े पनप गए, यानी काम करने लग गए थे, उसके बाद भी ये दिक्कत रही, ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। फिर अंदर किसी को रहम आ गया तो उन्होंने कहा भेजो यार, आने दो। हाँ, मैंने बुलाया था।